नॉर्वे यूरोप का दूसरा सबसे अमीर देश है और यहाँ 3 महीनों तक सूरज नहीं डूबता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अतुल। तो आज की इस वीडियो में मैं नॉर्वे से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं नॉर्वे के बारे में कुछ अलग। नॉर्वे यूरोप के सुंदर देशों में से एक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहाँ का क्षेत्रफल 3,23,802 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी लगभग 53 लाख है और इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेगन क्रोन है जो कि भारत के 8 रुपए के लगभग बराबर होती है। नॉर्वे यूरोप के व दुनिया के शांति प्रिय देशों में से एक है और यह दुनिया का 11वां शांति प्रिय देश है। नॉर्वे के लोग यूरोप में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग माने जाते हैं। नॉर्वे देश के उत्तरी भाग में मई से लेकर जुलाई तक या 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता है और आप यहाँ रात में सूरज देखने का मज़ा उठा सकते हैं। नॉर्वे यूरोप के घूमने लायक जगहों में से एक है और यह बहुत सुंदर देश है। नॉर्वे देश की कमाई प्राकृतिक तेल और गैस से आती है, इस पर सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है। नॉर्वे के लोग अपनी कमाई सरकार से छिपा नहीं सकते हैं और यहाँ के लोगों को टैक्स जरूर देना पड़ता है। नॉर्वे के बारे में एक खास बात, आप लोगों को जेल जाना तो कतई नहीं पसंद होगा, पर नॉर्वे की जेल इतनी खूबसूरत है कि उनके सामने कुछ होटल भी फीके पड़ जाएंगे और यहाँ अच्छे होटलों की तरह बहुत ही अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं। नॉर्वे देश की सबसे बड़ी सजा 21 वर्ष है। नॉर्वे दुनिया का सबसे कम करप्ट देश है। नॉर्वे यूरोप का इकलौता ऐसा देश है जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। नॉर्वे देश की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों में अमीरी और गरीबी का भेदभाव बहुत ही कम है और यहाँ महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नॉर्वे में केवल 10 सैनिक ही मारे गए हैं। नॉर्वे में आप कुत्तों को बांध कर नहीं रख सकते हैं, किसी विशेष कारण की वजह से आप कुत्तों को बांध कर रख सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए कुत्तों को बांधना गैर कानूनी है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।